हाई एंड वेलकम टू दी डीप लर्निंग फ्राम स्क्रैच एंड ऑल्सो वेलकम टू दी फादर्स एंड यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। प्रीवियसली सेशंस तक री इन्फोर्समेंट लर्निंग के हवाले से हमारी बात हो रही है और इस वीडियो सेशन के अंदर हम बेलमैन इक्वेशन और क्यू लर्निंग को जानेंगे, जो आपको बहुत ही बेहतर तरीके से उसी वक्त समझ में आएगा जब हम प्रीवियसली उन वीडियोज़ को देखेंगे जो कि मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, जिसके अंदर हमने मार्कोव डिसीजन प्रोसेस और साथ ही साथ हमने हिडन प्रोसेस के हवाले से जाना कि वो क्या है और किस तरह से उसका किरदार है री इन्फोर्समेंट लर्निंग के अंदर। लिहाजा मैं वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले बताते चलूँ कि इससे रिलेटेड जितनी भी प्रीवियसली वीडियो है वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। आप फाद हुसैन CS के जरिए से यूट्यूब पर सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल पर आ सकते हो और इस पर क्लिक करने के बाद आप मेरे प्लेलिस्ट पर पहुंचोगे और यहां पर वो तमाम वीडियोस मौजूद हैं जिसको आप फ्रीली देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। जबकि जो भी प्रेजेंटेशन स्लाइड है, कोड है या वट एवर जो भी कॉन्टेंट रिलेटेड मटेरियल होता है वो मेरे ब्लॉग पर मौजूद है। आप फाद हुसैन CS के जरिए से गूगल पर भी मुझे सर्च कर सकते हो और उसके बाद मेरे ब्लॉग फाद हुसैन CS blogspot.com पर आओगे। यहाँ पर एक सेपरेट नेविगेशन बार पर एक टैब मौजूद है डीप लर्निंग का, जिसमें क्लिक करके आप तमाम कोड्स, प्रेजेंटेशन स्लाइड और एडिशनली जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ से आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो। तो लिहाजा अगर यूट्यूब चैनल पर नए हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से तुम्हें बर वक्त जानकारी मिले। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। वन ऑफ़ दी इम्पॉर्टेंट थिंग वो ये है कि जो डीप लर्निंग के हवाले से, यानी डीप लर्निंग के अंदर मैं जो री इन्फोर्समेंट लर्निंग के हवाले से बात कर रहा हूँ, तो जब हम मशीन लर्निंग के हवाले से बात कर रहे थे, ये मशीन लर्निंग का प्लेलिस्ट के अंदर हमारे पास सेपरेट प्लेलिस्ट है, तो व्यू फुल प्लेलिस्ट पर आओगे ना जब तुम मशीन लर्निंग के, तो इसमें 56 ट्यूटोरियल हैं कंप्लीट मशीन लर्निंग की। तो अगर तुमने मशीन लर्निंग के हवाले से नहीं पता है तो यार यहाँ पर आओ, सारी वीडियोज़ को देखो, बहुत अच्छे तरीके से तमाम चीज़ें स्क्रैच से मैंने बताई हुई हैं। तो वीडियो नंबर 40 से मैंने यहाँ पर री इन्फोर्समेंट लर्निंग के हवाले से बात की हुई है, ठीक है। तो 40 प्लस जितने भी ट्यूटोरियल हैं उसमें री इन्फोर्समेंट के हवाले से उसमें बात हो रही है, तो आप इन वीडियोस को ज़रूर देखो, क्योंकि हम डीप लर्निंग के अंदर जो है वो इंपॉर्टेंट फीचर्स पर ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ये तमाम टॉपिक्स जो हैं ऑलरेडी मैंने कवर की हुई हैं यहाँ पर, तो इन चीज़ों को देखो ताकि और भी बेहतर तरीके से तुम समझ सको। लिहाजा बैक टू हम स्लाइड चलेंगे और अब बाकायदा हम स्टार्ट करते हैं कि बेलमैन इक्वेशन क्या है और क्यू लर्निंग के साथ वो किस तरह से इनहेरिट हुआ है और इसकी डेफिनेशन क्या क्या है। ओके, सो व्हाट इज़ बेलमैन इक्वेशन? सो स्लाइड पर बताया जा रहा है कि ए बेलमैन इक्वेशन नेम आफ्टर रिचर्ड ई बेलमैन, ठीक है, यानी बेलमैन इक्वेशन को बेलमैन का नाम ही इसलिए दिया गया है क्योंकि जो इसे ड्राइव करने वाले साइंटिस्ट थे उनका नाम ही बेलमैन है। तो आगे फर्दर बताया जा रहा है कि इज़ अ नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑप्टिमैलिटी एसोसिएटेड विद द मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन मेथड नोन एज डायनेमिक प्रोग्रामिंग। एक्चुअली डायनेमिक प्रोग्रामिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑप्टिमैलिटी के लिए, यानी हम अपने प्रॉब्लम के ऑप्टिमल सोल्यूशन तक जाना चाहते हैं, और यही चीज़ बेलमैन इक्वेशन के अंदर ड्राइव करके बताई गई है। सो इट्स राइट द वैल्यू ऑफ अ डिसीजन प्रॉब्लम एट अ सर्टेन पॉइंट, ये प्रॉब्लम के डिसीजन को लिखता है एक सर्टेन पॉइंट पर इन टाइम, जो टाइम कंसीडर है उस चीज़ में, इन टर्म ऑफ द पे ऑफ फ्रॉम सम इनिशियल चॉइसेस एंड द वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग डिसीजन प्रॉब्लम द रिजल्ट फ्रॉम दोज इनिशियल चॉइसेस, ठीक है, जो भी उसमें चॉइसेस हैं उस बेस पर वो डिसीजन प्रॉब्लम को पे ऑफ के बिहाफ पर एज अ इनिशियल चॉइस लेता है और उसके बाद फर्दर उसके तमाम स्टेप्स चलते हैं। तो ये प्रॉब्लम करता क्या है, दिस ब्रेक अ डायनेमिक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम इन टू अ सिक्वेंसेज ऑफ सिंपलर सब प्रॉब्लम्स के अंदर वो उसको क्या कर रहा है, ऑप्टिमाइजेशन वे पर सिक्वेंस के फॉर्म पर डिवाइड कर रहा है, उनके सिक्वेंसेस बना रहा है एज बेलमैन्स प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी प्रिस्क्राइब्स। तो यही चीज़ ऑप्टिमैलिटी के अंदर बेलमैन डिस्क्राइब करके अब हमें बताती है कि किस तरह से वो अपने प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड करती है और अपने सब प्रॉब्लम्स को ऑप्टिमैलिटी की तरफ लेकर जाती है। तो ये इस वक्त जो फाइनल इक्वेशन है, विच मीन बेलमैन इक्वेशन जो है वो इस तरह से डिस्क्राइब होती है। एक एक पॉइंट को हम समझेंगे, वीडियो को लास्ट तक आप देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी कि एक्चुअली ये VOF क्या चीज़ है, मैक्स ऑफ ए क्या है, RSA क्या चीज़ है, गामा यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट लेकर आता है, इसके अलावा जो प्रोबेबिलिटी है न्यू स्टेट की विथ रिस्पेक्ट टू द न्यू VOF रिकर्सिवली, ये सारी चीज़ें अभी हमें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। तो आगे चलते हैं, देखो सबसे पहले इस इक्वेशन को हम एक प्रॉब्लम के वे पर समझते हैं ताकि हमें बात समझ में आ जाए। देखो यहाँ VOF जो है ना, जो कंप्लीट हमारे बेलमैन इक्वेशन है, ये एक न्यू स्टेट की बात कर रही है जहाँ पर हमारा एजेंट मौजूद है, ठीक है, यहाँ से मूव होकर जब आगे जाएगा तो VOF बार बन जाएगा जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस स्टेट पर जो हमारे पास इस वक्त प्रॉब्लम है, यहाँ पर हमारा एजेंट मौजूद है, तो इस एजेंट की डायरेक्शन क्या क्या हो सकती है, ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी होगी इन टर्म ऑफ द फ्यूचर जब वो आगे मूव करेगा, जैसे हमने मार्कोव डिसीजन प्रोसेस के अंदर भी देखा था। तो इस वक्त हमारा एजेंट राइट मूव हो सकता है, ठीक है, इसी तरह से लेफ्ट मूव हो सकता है,
अप मूव हो सकता है और डाउनवर्ड भी मूव हो सकता है, क्योंकि इस वक्त डाउनवर्ड जो है हमारे पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, तो लिहाजा हम इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 3 ही पोजीशन इसकी कंसीडर करते हैं। देखो, जब हमारे पास जो यहाँ पर एजेंट मौजूद है वो जिस स्टेट पर जाना चाहता है, हम सबसे पहले देखना चाहते हैं कि जो हमारा एक्शन है वो मैक्सिमाइज होना चाहिए, ठीक है। जब तक हमारा एक्शन मैक्सिमाइज नहीं होगा, जब उस स्टेट पर हम नहीं जा सकेंगे, तो जो भी हमारा स्टेट है जहाँ पर हमारा एजेंट मौजूद है और वो जो एक्शन परफॉर्म करेगा उस बिहाफ पर ही उसे रिवॉर्ड दिया जाएगा। गामा यहाँ पर एक डिस्काउंट वैल्यू है जो हम हर एक नेक्स्ट स्टेज पर जाने के लिए अपने एजेंट को देते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगी समेशन ऑफ द ऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ द नेक्स्ट स्टेट, ठीक है। ये नेक्स्ट स्टेट प्रोबेबिलिटी की क्या है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास स्टेट 1 है, ये स्टेट 2 है और ये स्टेट 3 है। इन तमाम स्टेट्स की कुछ प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है ना, कि अगर इस स्टेज पर हमारा एजेंट जाए तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, इस स्टेट पर जाए तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी और इस स्टेट पर जाए तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी। और अगर हम एडिशनली यहाँ पर ग्रीडी कॉन्सेप्ट को यूज़ करें तो जहाँ पर हमारी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी वहीं पर ही हमारा एजेंट जो है मूव होकर नेक्स्ट स्टेप पर जाएगा, ठीक है। अब मैं इस फॉर्मूले को जो कि हमारे पास बेलमैन का है इसको मज़ीद हम डिवाइड करते हैं एक एक कॉन्सेप्ट को, ताकि और भी बेहतर तरीके से हमें समझ में आए कि एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम है हमारे पास जहाँ पर हमारा एजेंट मौजूद है ये किस तरह से बेलमैन इक्वेशन को फॉलो करते हुए अपने स्टेट को चेंज कर रहा है इन टर्म ऑफ द सम ऑफ द डिफरेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ द नेक्स्ट स्टेट्स। ओके, तो सबसे पहले जो हमारे पास इक्वेशन होती है, क्योंकि यहाँ पर जो ये सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी है ना, ये वाला जो कॉन्सेप्ट था ये आया कहाँ से, इसको अभी हम समझेंगे यहाँ पर इस फॉर्मूले में, तो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले लिखा हुआ है हमारे पास व्यू ऑफ एस यानी न्यू स्टेट की जो वैल्यू है वो मैक्स ए है, ठीक है। मैक्स ऑफ ए का मतलब ये है कि ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है कि मैक्सिमम ऑफ ऑल पॉसिबल एक्शन, कितने पॉसिबल एक्शंस हैं वो तमाम की मैक्सिमम यहाँ पर बताया जा रहा है उनके पॉसिबल एक्शंस की। उसके बाद हमारे पास रिवॉर्ड है फॉर्मूले के अंदर, ये जो आर से रिप्रेजेंट कर रहा है, विच मीन रिवॉर्ड अकॉर्डिंग टू द स्टेट एंड एक्शन। जैसे अभी प्रीवियस स्लाइड पे बताया मैंने कि जो स्टेट है और वहाँ पर जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है हमारा एजेंट, उस रिस्पेक्ट से उसका स्टेट मिलेगा उसे, उसको रिवॉर्ड मिलेगा। उसके बाद हमारे पास गामा है, ठीक है। ये गामा डिस्काउंट वैल्यू है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि गामा डिस्काउंट वैल्यू टू द नेक्स्ट स्टेट वेयर वी एस इज द न्यू स्टेट फाइनली रिकर्सिवली, जो नेक्स्ट स्टेट आने वाली है जिसके जरिए से हमारा एजेंट एक स्टेप से दूसरे स्टेप्स पर जाएगा, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पर मैंने दिखाया कि वो 1 पे जा सकता है, 2 पे जा सकता है, 3 पे जा सकता है एंड सो ऑन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, वो यहाँ पर न्यू स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड पर आपको दिखाया कि हमारे पास एक स्टेट 1 है, एक स्टेट 2 है, एक स्टेट 3 है, तो यहाँ पर मीनिंगफुल बनाने के लिए मैंने कहा कि जो हमारे पास व्यू ऑफ एस है ना, जो नेक्स्ट स्टेट है रिकर्सिवली आने वाली, उसमें सबसे पहले की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.8 है, ठीक है। फिर इसी तरह दूसरे स्टेट की वैल्यू 0.1 है, विच मीन 0.1 है, और तीसरी की वैल्यू 0.1 है। और हम मार्कोव डिसीजन प्रोसेस पे ये देख चुके हैं कि जो हमारे पास कि इन तमाम वैल्यू का जो सम है वो 1 के बराबर होता है, और अगर हम देखें 0.8, 0.1 एंड 1, ये इसकी वैल्यू जो है वो 1 के बराबर होती है। और यही चीज़ हमने मार्कोव डिसीजन प्रोसेस में भी देखा है कि जितने स्टेट्स होते हैं हमारे एजेंट के लिए उन सबका सम 1 के बराबर होता है। अब ये जो वी ऑफ एस था ना हमारे पास इस जगह पर, ठीक है, सिंपल जो वी ऑफ एस था, अब ये तमाम स्टेट की प्रोबेबिलिटी को भी मेंशन कर रहा है ना यहाँ पर। ये एक प्रोबेबिलिटी है, ये एक प्रोबेबिलिटी है, और इसी तरह से ये एक प्रोबेबिलिटी को मेंशन कर रहा है। तो लिहाजा इस गामा के साथ हमारे पास जो एडिशनली चीज़ ऐड हुई ना या न्यू स्टेट के लिए, वो पी ऑफ एस ए एस है। पी ऑफ एस ए एस से क्या मुराद है, अगर मैं इसको रफली तौर पर डायग्रामेटिक बताऊँ, तो फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक स्टेट है और ये दूसरी स्टेट है ना, ठीक है। तो ये 1 नाम दे दिया मैंने, इसको 2 नाम दे दिया, ठीक है। देखो, जब ये यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है, तो ये कोई एक्शन परफॉर्म करेगा ना ए, और इस वक्त ये 1 पर अगर हमें हमारा एजेंट मौजूद है तो ये एक स्टेट हुई, और इसी तरह से ये दूसरी स्टेट है, तो ये जब यहाँ पर चला जाएगा तो ये हमारी एस बार स्टेट कहलाएगी। तो एस ए एस बार ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है जो यहाँ पर बताया गया है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी है, और यही प्रोबेबिलिटी हमारी वी ओ एफ एस यानी नेक्स्ट स्टेट जब वो पहुँच जाएगा उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एक एक पॉइंट को समझा कि बेलमैन इक्वेशन किस तरह से ड्राइव होकर हमारी इस स्टेज पर आई जो बिल्कुल हमने फर्स्ट स्लाइड के अंदर देखा था। ओके, होपफुली आपको तमाम बातें सब तक समझ में आई होंगी कि एक्चुअली जो बेलमैन इक्वेशन है वो किस तरह से डिवाइड हुई, किस तरह से हमारे प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में कन्वर्ट करती है, और किस तरह से ऑप्टिमैलिटी की तरफ जाती है कि हमारा प्रॉब्लम जो है ऑप्टिमल सॉल्यूशन की तरफ चला जाए, और ये एट लास्ट बिल्कुल वही इक्वेशन है जो बेलमैन की है। ओके,
अब प्रॉब्लम से समझते हैं, ठीक है। इक्वेशन को हमने ट्रांसपेरेंट वे पे देख लिया कि किस तरह से, और अब हम प्रॉब्लम के वे पे देखेंगे तो बात और भी बेहतर तरीके से हमें समझ में आएगी। फॉर एग्जांपल, ये हमारा एजेंट है, ठीक है, यहाँ पर मौजूद है हमारा एजेंट, ठीक है, और इस एजेंट को हमें मूव करवाते हुए अपनी डेस्टिनेशन तक लेकर आना है जो यहाँ पर है, ठीक है, ये इसका डेस्टिनेशन है। अब देखो, इस डेस्टिनेशन पर पहुँचने के लिए सबसे पहला जो वे है हमारे पास वो एक ये है, ठीक है, और एक ये है, ठीक है। तो अब हमें अपने इस एजेंट को मूव करवाने के लिए एक ग्रीडी अप्रोच के साथ कुछ प्रोबेबिलिटी यूनिट देनी होगी, ठीक है, यानी जिस इन टर्म ऑफ द रिवॉर्ड देना होगा कि हमारा एजेंट राइट मूव करे या लेफ्ट मूव करे। सबसे पहले जो हमारे पास मूवमेंट का जो ट्रेडिशनल तरीका है वो है रिवॉर्ड, पॉजिटिव रिवॉर्ड, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि यार ये जो रिवॉर्ड है ना, जहाँ पर जो ईगल मौजूद है जिससे हमारा एजेंट डिस्ट्रॉय हो सकता है, इसको मैंने -1 दे दिया। इस एजेंट को यहाँ मूव करवाने के लिए हमने +1 दे दिया, ठीक है। फिर इसी तरह यहाँ पर भी उसे एक रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है, तो हमने यहाँ पर भी इसको अभी समझने के अतबार से +1 दिया, आप वैल्यू चेंज भी कर सकते हो, और यहाँ पर भी मैंने +1 दे दिया, अब यहाँ पर भी +1 दे दिया, ताकि जब जब वो मूव होता रहे तो उसको पता हो कि उसे ग्रीडी अप्रोच को यूज़ करते हुए 1 की तरफ मूव होना है ताकि वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच सके, ठीक है। तो लिहाजा इस अप्रोच पर हमारा एजेंट जब यहाँ जाएगा तो +1 और वो डेस्टिनेशन पर पहुँच गया। दूसरा वे उसे इस तरह से मिलेगा, जब एजेंट यहाँ आएगा तो फिर यहाँ मूव होगा, फिर यहाँ और फिर यहाँ पहुँच जाएगा, तो वो अपने इस जो हमारे पास एजेंट मौजूद है नेगेटिव इम्पैक्ट पर रिवॉर्ड, वो उससे वो बचा रहेगा और हमारा एट लास्ट हमें डेस्टिनेशन तक पहुँच जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आती है कि अगर इनिशियल स्टेज हमारे एजेंट के लिए यहाँ है, फॉर एग्जांपल अब हमारा एजेंट जो है वो यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, रफ डायग्राम। अब देखो, इस एजेंट को मूव करवाने के लिए अब जो प्रॉब्लम आई, अगर एजेंट राइट जाएगा तो भी +1 है और लेफ्ट जाए तो भी +1 है, और अब हमारा जो सिस्टम है जो री इन्फोर्समेंट लर्निंग के रिस्पेक्ट से चल रहा था वो यहाँ पर हैंग हो गया, ठीक है। हैंग इन टर्म पे हुआ कि अब वो राइट भी जा रहा है तो भी अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएगा, और अगर लेफ्ट जाएगा तो राइट जाएगा तो डेस्टिनेशन तक तो पहुंच जाएगा, लेकिन अगर वो लेफ्ट चला गया तो वो अपने डेस्टिनेशन से हट जाएगा, और अब जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो मीनिंगफुल वे पे नहीं रही। लिहाजा इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, जो अभी हमने बेलमैन इक्वेशन देखी उसने हमें ये बताया कि हमारे पास जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए वो प्रोबेबिलिस्टिक वे पर होना चाहिए, ठीक है, यानी हमारे पास जो डिफरेंट स्टेट्स की प्रोबेबिलिटी हो उन प्रोबेबिलिटी के बिहाफ पर हमारा एजेंट उस वे पर घूमेगा या उस वे पर मूव होगा जहाँ पर हमारे पास मैक्सिमाइज प्रोबेबिलिटी मौजूद रहेगी। तो लिहाजा इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम कुछ यहाँ पर प्रोबेबिलिस्टिक वे में कुछ प्रोबेबिलिटी वैल्यू लिखते हैं ताकि हम अपने एजेंट को उस वे पर मूव करवा सकें जिस तरह से बेलमैन इक्वेशन ने डिस्क्राइब करके हमें दिया है। लिहाजा कुछ वैल्यूज़ मैं यहाँ पर लिखता हूँ। ओके, सो सबसे पहले जो हमारा डेस्टिनेशन है, दिस पार्ट, इस डेस्टिनेशन के जो बिल्कुल प्रीवियसली स्टेज है उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जो एट लास्ट हमारे पास डेस्टिनेशन है उसकी वैल्यू अब हमारे पास ओनली 1 होगी, और प्रीवियस स्टेट यानी प्रीवियस इमेज पर या स्लाइड पर मैंने तमाम को +1 दिया था जिसकी वजह से हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट आया। तो अब जो प्रोबेबिलिटी है वो आप देख रहे हो कि अपने डेस्टिनेशन से जितना दूर है उतना कम है, और अपने डेस्टिनेशन के जितने पास है, ऑप्टिमैलिटी की तरफ है, वहाँ पर वो 1 के नियर होगा, और यही चीज़ हमें बेलमैन इक्वेशन बता रही है। लिहाजा इस वक्त हमारा जो एजेंट है वो यहाँ पर मौजूद है, और इस एजेंट को सबसे पहले जो वैल्यू मिलेगी वो ग्रीडी अप्रोच पर मैक्सिमाइज मिलेगी, लिहाजा वो डायरेक्टली यहाँ पर मूव होगा और अपने डेस्टिनेशन पर एट लास्ट पहुँच जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर बात होती है उसी प्रॉब्लम की जो यहाँ पर मैंने स्टेट चेंज करके दिखाया था। तो लिहाजा अब अगर हमारा एजेंट इस जगह पर होता है तो वो अपने अप्रोच को बिल्कुल बेलमैन इक्वेशन के ज़रिए से रीड करते हुए कभी भी लेफ्ट मूव नहीं होगा, बल्कि वो ऑप्टिमैलिटी की तरफ जाते हुए राइट मूव होगा, और उस इस तरह इस चीज़ को फॉलो करते हुए वो यहाँ पर पहले 0.7 को टारगेट करेगा, फिर 8.9 को, और फिर एट लास्ट वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच जाएगा, जो कि हमें अपने टारगेट पर मूव कराने की ज़रूरत भी थी और हमने इसी तरह से अपने टारगेट को मूव करवा लिया। तो होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी कि हमने पहले फॉर्मूले के रिस्पेक्ट से देखा, फिर एक छोटे से प्रॉब्लम को डिस्कस करते हुए भी हमने उस प्रॉब्लम उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की जो बेलमैन इक्वेशन हमें बता रही थी। अब फाइनली हम उस वे पर समझ लेते हैं जिस तरह से मैंने यहाँ पर रफली माउस से ये चीज़ें बनाई हैं, तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर एरो के ज़रिए से रिप्रेजेंट कर लिया है कि हमारा एजेंट इस वे पर यहाँ पर भी जा सकता है, यहाँ पर भी जा सकता है, लेकिन अगर वो इस जगह पर होगा तो सिर्फ इधर जाएगा, ठीक है, और अगर इस तरफ होगा तो वो इस तरफ जाना चाहिए, ठीक है, सॉरी अबाउट दैट, ठीक है, ये नहीं होगा बल्कि डाउनवर्ड जाएगा वो, और इस तरह से अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच सकता है।
अब बात करेंगे हम क्यू लर्निंग के हवाले से। अभी तक हमने बेलमैन इक्वेशन को देखा और वहाँ पर हमें बात समझ में आ गई कि फार्मूला क्या कहता है, उसकी वर्किंग क्या कहती है। तो क्यू लर्निंग के हवाले से लिखा हुआ है कि मार्कोव डिसीजन प्रोसेस गिव अस अ वे टू फॉर्मलाइज सिक्वेंसेस सिक्वेंशियल डिसीजन मेकिंग, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियोज़ कि सिक्वेंशियल डिसीजन मेकिंग के लिए हम मार्कोव डिसीजन प्रोसेस को डिस्कस करते हैं। इट इज़ एन एजेंट गोल टू मैक्सिमाइज द क्यूमुलेटिव रिवॉर्ड, ये एजेंट गोल को मैक्सिमाइज करने के लिए और उनकी क्यूमुलेटिव तमाम चीज़ों के सम का जो रिवॉर्ड होता है उसको हासिल करने के लिए या उन्हें मैक्सिमाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है। सो वट अबाउट द क्यू लर्निंग? क्यू लर्निंग इज़ वन ऑफ द टेक्निक टू फाइंड द ऑप्टिमल पॉलिसी इन एन एम डी पी, यानी जो मार्कोव डिसीजन प्रोसेस है हमारे पास उसमें जो पॉलिसी होगी उसको ऑप्टिमल करने के लिए हम यहाँ पर क्यू लर्निंग को इस्तेमाल करते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्यू लर्निंग इज़ टू फाइंड द पॉलिसी दैट इज़ ऑप्टिमल इन अ सेंस दैट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द टोटल रिवॉर्ड ओवर ऑल सक्सेसिव स्टेप इज द मैक्सिमम अचीवेबल, यानी जितने भी एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ हैं टोटल रिवॉर्ड की वो सक्सेसिव वे में अचीवेबल हों मैक्सिमम फॉर्म पर। सो इन अदर वर्ड द गोल ऑफ द क्यू लर्निंग इज़ टू फाइंड द ऑप्टिमल पॉलिसी बाय लर्निंग द ऑप्टिमल क्यू वैल्यूज़ फ्रॉम ईच स्टेट एक्शन पेयर। ठीक है, तो अब जो पैराग्राफ में डेफिनेशन बताई गई कि हम किस तरह से एक्सपेक्टेड वैल्यू को मैक्सिमाइज कर सकते हैं और अदर वर्ड पे जो बताया गया है कि जो ऑप्टिमल पॉलिसी है लर्निंग की, हम उसके ज़रिए से हर एक स्टेट की पॉलिसी को जानना चाहते हैं कि नेक्स्ट स्टेट की पॉलिसी क्या होगी। लिहाजा यहाँ पर जो क्यू है क्यू लर्निंग के अंदर वो क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है कि नेक्स्ट जो भी स्टेट्स होंगे हमारे पास एजेंट के रिस्पेक्ट से उनकी क्वालिटी क्या है। लिहाजा इस स्लाइड के अंदर मैं कंपैरिजन आपको करके दिखा रहा हूँ कि क्यू लर्निंग में और बेलमैन इक्वेशन में क्या कंपैरिजन है, सिमिलैरिटी है और किस तरह से ये अपने आप को डिस्टिंग्विश करती है सिंपल बेलमैन इक्वेशन से। लिहाजा सबसे पहले जो टॉप पर हमारे पास मौजूद है ये बेलमैन इक्वेशन है, ठीक है, और नीचे जो हमारे पास मौजूद है ये क्यू लर्निंग का फॉर्मूला है या इक्वेशन है। तो अभी हमने देखा बेलमैन इक्वेशन में जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेट होती है वो वी ओ एफ एस को रिप्रेजेंट करती है, मैक्सिमम एफ ए जो है रिवॉर्ड है जब पॉसिबल स्टेट्स के तमाम, और रिवॉर्ड ये है एस ए, और उसके बाद गामा डिस्काउंट वैल्यू है प्रोबेबिलिटी ऑफ नेक्स्ट ऑल स्टेट्स, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ऑफ वी ऑफ एस बार रिकर्सिवली जो हमारे पास आने वाला है वो है। यहाँ पर जो ये वाला जो पार्ट था, ठीक है ना, ये नेक्स्ट स्टेट के लिए वो देखो बिल्कुल ओवरऑल वही है जो नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, जो चीज़ों में चेंजेस आई उसके बिहाफ पर जो यहाँ पर भी इम्पैक्ट आया वो क्या है, जो यहाँ पर मैक्सिमम ऑफ ए था ना, ठीक है, इसको यहाँ से इक्वेशन से निकाला गया, ठीक है, और डायरेक्टली अपने इक्वेशन को रिवॉर्ड पर बेस किया गया। जो हमारे पास वी ऑफ एस था हमने उसको क्वालिटी पर बेस किया कि हमें क्वालिटी देखना है जब हम अपने स्टेट पर कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो उसकी क्वालिटी क्या है। लिहाजा इन दोनों इक्वेजन्स को जब कंपेयर किया गया और मर्ज किया गया क्यू लर्निंग के बिहाफ पर, तो हमारा जो कंप्लीट इक्वेजन बनी वो क्वालिटी ऑफ द स्टेट विथ रिस्पेक्ट टू द एक्शन इज इक्वल टू रिवॉर्ड ऑफ द स्टेट विथ रिस्पेक्ट टू द एक्शन प्लस गामा डिस्काउंट वैल्यू समीशन ऑफ द ऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ द नेक्स्ट स्टेट मल्टीप्लाई बाय मैक्स ऑफ ए। ये जो मैक्स ऑफ ए यहाँ पर रिवॉर्ड के साथ था अब वो डायरेक्टली चला गया क्वालिटी के साथ, क्वालिटी ऑफ द नेक्स्ट स्टेट। ठीक है, पहले हम देखते थे वी ऑफ एस और उसके रिस्पेक्ट से वी ऑफ एस पर नेक्स्ट स्टेट देखा करते थे, लेकिन अब हम क्यू ऑफ एस ए के ज़रिए से न्यू क्यू ऑफ एस बार देखेंगे, यानी उस स्टेट पर जहाँ पर हम मौजूद थे, हमारा एजेंट पहले मौजूद था, अब वो न्यू स्टेट पर जाने के लिए उसकी क्वालिटी देखेगा। कैसे? देखो, हमारे पास फर्स्ट डायग्राम पे वी ऑफ एस था, इस वी ऑफ एस पर हमने देखा कि प्रोबेबिलिटी की क्या वैल्यू है और हम किस तरह से 1, 2, 3 स्टेट पर जा सकते हैं। लेकिन क्यू लर्निंग हमने हमें ये स्टेट दिया कि भाई अगर आप तुम 1 पे जाना चाह रहे हो या 2 पे जाना चाह रहे हो या इसी तरह से 3 पे जाना चाह रहे हो जो एरो यहाँ पर मौजूद है, तो उसकी उस स्टेट पर क्वालिटी क्या है, ठीक है, इसकी क्वालिटी क्या है और इसी तरह इसकी क्वालिटी क्या है जिसके ज़रिए से हमें न्यू स्टेट मिल सकेगा। जैसे डेफिनेशन पे भी बताया गया है कि ऑप्टिमल पॉलिसी बाय लर्निंग द ऑप्टिमल क्यू वैल्यूज़, ठीक है, ये वही क्यू वैल्यूज़ है फॉर ईच स्टेट एक्शन पेयर, हर एक स्टेट एक्शन पेयर पर हमें यहाँ पर क्वालिटी देखनी होगी। और यही बेसिक डिफरेंस है हमारे पास बेलमैन इक्वेशन में और क्यू लर्निंग में जो इनके कंपेरिजन या सम होने के बाद हमें यहाँ पर हासिल हुई। तो होपफुली आपको ये बात क्लियरली समझ में आई होगी कि बेलमैन इक्वेशन क्या है,
क्यों लर्निंग क्या चीज़ है, किस तरह से री इन्फोर्समेंट लर्निंग के अंदर ये इन्वॉल्व है, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी ज़रूर है इक्वेशन को समझना, मैंने हर मुमकिन कोशिश की है कि मैं इसको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से बता सकूं। फिर भी कोई सवाल है, कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई है तो कमेंट सेशन में पूछो यार, कोशिश करूंगा मैं आपको बरवक्त जवाब दे सकूं। नेक्स्ट वीडियो सेशन पे जाएंगे तो हम वहाँ पर प्रैक्टिकली क्यू लर्निंग को इंप्लीमेंट करके देखेंगे, तो और भी बेहतर तरीके से हमें क्यू लर्निंग की वर्किंग समझ में आएगी, जो हमने यहाँ पर रफली या डायग्रामेटिक व्यू पर देखा है, तो वहाँ पर हम प्रैक्टिकली करेंगे तो और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगी। थैंक यू वेरी मच।